नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देखिए, बाप गया अंधेरे में पर बेटी का नाम रख गया रोशनी। कल पाकिस्तानी असेंबली में वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का बिल पास हो गया, जिसके बाद 50 एकड़ में फैला वजीर आजम हाउस खाली हो जाएगा और यहां पर पाकिस्तानी सरकार यूनिवर्सिटी बनाएगी ताकि पाकिस्तानी छिछोरे लॉन्चिंग पैड पर जाने से पहले यहां गर्दन पटक सके। यहां पर दरगाह, मदरसे और भैंसों का तबेला बनाए जाने की योजना है। वैसे इमरान लोडे ने बहुत पहले कहा था कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस को खाली करेंगे, उसकी गाय भैंसे बकरियों को बेच देंगे, जो कि उन्होंने बेच दी है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। बाहर से आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लगता यूं है कि इमरान को यकीन हो गया है कि अब किसी विदेशी अतिथि को पाकिस्तान नहीं आना और उसको कहीं ठहराने की जरूरत भी पेश नहीं आएगी। सच्चाई कुछ कुछ है भी यही, कोई शहजादा या राष्ट्र अध्यक्ष पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता। ट्रंप के सामने इमरान सलवार तक हिला चुके थे, मगर वह भी पाकिस्तान नहीं आए। मातिर एर्दोगन जैसे उठाऊ चूल्हे जरूर पाकिस्तान होकर गए, उनके अलावा पश्चिम देशों का कोई बड़ा नेता यहां नहीं आया। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 5 साल में भारत के 2 दौरे किए, मगर उन्होंने भी पाकिस्तान जाने की जहमत नहीं उठाई। ऐसे में इस वजीर आजम हाउस की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। लेकिन असली मामला इससे भी आगे है। पाकिस्तान की डाउडोल अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा के संकट से जूझते पाकिस्तान के पास वजीर आजम हाउस का खर्च चलाने की ताकत नहीं बची है। यहां बनी 7 बड़ी इमारतों और इसमें रहने वाले तमाम कर्मचारियों उनकी सुख सुविधाओं पर प्रतिवर्ष 15 अरब 13 करोड़ रुपए खर्च होता था। इसमें बने तबेले पर ही 30 लाख से ज्यादा खर्च आ रहा था। तबेला तो उजड़ चुका है, अब इमरान का तबेला भी उजड़ जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान के प्रांतों में बने गवर्नर हाउस का नंबर है। भैंसों, कट्टो, मुर्गी के इमरान प्रेम को देखते हुए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबेला बनाया जा सकता है, जिसमें पोल्ट्री फार्म, बकरी फार्म और लाहौरी गधों को बसाया जा सकता है। चीन में लाहौरी गधों की मांग के चलते यहां बढ़िया नस्ल के गधों को तैयार करके उन्हें प्रशिक्षित किया जा सकता है। वैसे यह समझ से परे है कि यह मदरसा कौम गधों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दे सकती है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पावर इमरजेंसी की ओर बढ़ते पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इमरान लोंडे की पुरानी तबेला स्कीम उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस से शुरू होगी जहां से भैंसों को बेइज्जत करके निकाला गया था। इमरान आज भी इन्हीं भैंसों में अर्थव्यवस्था की प्रगति का फलसफा तलाश रहे हैं। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है, जबकि पाक पीएम 50 एकड़ के रकबे पर रह रहा था। हॉकी ग्राउंड, पोलो ग्राउंड, कई तरह के बाग, 7 मंत्रियों के दफ्तर, 7 बिल्डिंग, यानी इस्लामाबाद के जिस रेड एरिया में यह हाउस बना है उसे देखकर पूरा पाकिस्तान रिझता था। लेकिन अब इसकी कहानी खत्म हो रही है। पर कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है। इमरान की सरकार या तो गिर सकती है या इमरान अपनी सरकार गिराने के लिए कोई चाल चल सकते हैं। पाकिस्तान की गाड़ी को पटरी पर लाना अब उनके काबू में नहीं रहा है, इसलिए इमरान इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। इसलिए इमरान ने नए प्रधानमंत्री के लिए अब इसे पूरी तरह कांटे बोने शुरू कर दिए हैं, यानी लड़का चालू ही नहीं महाचालू है। बड़ी बात यह है कि इमरान ने सरकार बनाने से पहले ही वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जो काम उन्हें सरकार बनने के 2-3 महीने बाद करना था उस पर बिल को 18 महीने बाद लाया गया है, यानी यह इमरान के सत्ता छोड़ने का इशारा है ताकि जाते जाते लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सके और चुनावी कैंपेन में इस मुद्दे पर वोट हासिल की जाए। पर हकीकत यही है कि इमरान इस मुल्क के लिए टाट से ज्यादा साबित नहीं हुआ। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनवाने और उसकी अर्थव्यवस्था के चीथड़े उड़ाने का श्रेय इमरान को ही जाएगा। मदीने की रियासत के नाम पर पाकिस्तानियों से जो घुंघरू डांस कराया उसे शायद यह छपरी कौम नहीं भूल पाएगी। इनके तहमंद पर लगे दाग इन्हें इमरान के नए पाकिस्तान का एहसास दिलाते रहेंगे। ले देकर यह प्राइम मिनिस्टर हाउस बाकी था जिसे देखकर तहमंदबाज रीझ लेते थे, इमरान ने उसकी भी आज लंका लगा दी। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।